मीडिया के गलियारों में पिछले काफी टाइम से किसी की लव लाइफ लाइमलाइट में है तो वो है मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर की। और काफी टाइम से तो इन दोनों की शादी की तारीखों को लेकर भी काफी चर्चाएं थी। और ये खबरें भी थी कि दोनों लव बर्ड्स 19 अप्रैल को शादी के बंधन में बनने वाले हैं। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ये दोनों 19 अप्रैल को शादी के बंधन में नहीं बन पाएंगे और इन दोनों की शादी में अभी और वक्त लग सकता है। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दोनों एक दूसरे के साथ क्रिश्चियन रीति रिवाज के साथ शादी करने वाले थे, लेकिन अब एक एंटरटेनमेंट पोर्टल की खबर पर यकीन करें तो लगता है कि ऐसा होना फिलहाल पॉसिबल नहीं है और उसके पीछे की वजह है गुड फ्राइडे। जी हाँ, पिंक विला की रिपोर्ट के मुताबिक 19 अप्रैल को गुड फ्राइडे है और क्रिश्चियन समुदाय में ये दिन बेहद ही खास होता है, लेकिन इस दिन शादी नहीं की जा सकती क्योंकि ये वो दिन होता है जब ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था और कलवारी में उनका निधन हो गया था। सिर्फ ये दिन ही नहीं बल्कि ये पूरा हफ्ता ही ईसाई धर्म के अनुयायियों के लिए बेहद ही खास होता है और वो इसे काफी पवित्र भी मानते हैं। वो इस दौरान अपना वक्त उपवास और चर्च की सेवा करके मनाते हैं और गुड फ्राइडे तक इस नियम का पालन करते हैं। और क्योंकि 19 अप्रैल को गुड फ्राइडे है, ऐसे में मलाइका और अर्जुन कपूर की शादी पर भी ब्रेक लगता दिखाई दे रहा है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कब ये दोनों लव बर्ड्स शादी के बंधन में बनते हैं। इंडिया बॉलीवुड वायरल रिपोर्ट।